मौसम आ गया है फलों के राजा आम की विदाई का, तो उनकी विदाई होनी चाहिए शानदार तरीके से। तो चलिए बनाते हैं जुगाड़ू मैंगो चीज केक, जिसमें कैलोरी चीज केक से बहुत कम है। वेलकम टू मोर विद फूड बाय फ्रांका। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स बिगिन। इस जुगाड़ू लेकिन हेल्दी मैंगो चीज केक का स्वाद बिल्कुल चीज केक की तरह होता है, लेकिन कैलोरी बहुत कम होती है। टेक्सचर भी बिल्कुल चीज केक की तरह होता है। तो चलिए सबसे पहले क्रश कर लेते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट को। यहाँ मैंने ब्रिटानिया का लिया हुआ है, आप जिस तरह से चाहें वैसे क्रश कर सकते हैं। हमें इस तरह का एक फाइन पाउडर चाहिए। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चर्न कर सकते हैं या किसी कैरी बैग में डाल के उसे आप किसी चीज से पटक के भी क्रश कर सकते हैं। अब इसमें मिलाते हैं हम बटर। एक चम्मच बटर को मैंने गरम करके इसमें मिक्स कर लिया है ना, बिल्कुल चीज केक की तरह। अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसके बाद इस तरह का एक मैंने ले लिया आइसक्रीम बोल और उसमें फिल कर दिया। नीचे से पतली लेयर चाहिए, बहुत मोटी लेयर नहीं चाहिए। इसे स्पून या इस तरह से पराठा सेकने वाले की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर दें, ताकि जब आप इसे उल्टा करें तो ये गिरे नहीं, अच्छी तरह सेट हो जाए। अब मैंगो की विदाई करने के लिए मैंगो तो चाहिए ही, तो एक आम ले लिया मैंने यहाँ पे और उसके पीसेस कट करके उसे ग्राइंड कर लिया, अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिया। अब चीज क्रीम की जगह मैंने लिया है हंग कर्ड। उसमें हाफ मैंने मैंगो प्यूरी मिलाया, साथ में मिलाया कंडेंस मिल्क। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले एकदम स्मूथ टेक्सचर का होने तक। बीट नहीं करना है हमें, बीट करने से ये बहुत रनी सा हो जाएगा। अब जो हमने बिस्किट को सेट करके रखा था आइसक्रीम बोल में, उसके ऊपर से ये डाल देंगे हंग कर्ड को और अच्छी तरह से टैप करके फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। चलिए अब बनाते हैं चीज क्रीम के ऊपर की कवरिंग, वो भी बिना जिलेटिन बिना कॉर्नफ्लोर के। हाफ मैंगो प्यूरी ले लिया, उसमें डाल दिया चीनी, अच्छी तरह पकाया 5 मिनट तक। लास्ट में डाल दे बटर ताकि शाइनी अपीयरेंस आए। इसके बाद इसे कर लेंगे ठंडा। अब फ्रिज से निकाल लें केक जो हमने रखा था ठंडा होने के लिए, उसके ऊपर ठंडे किए हुए इस कंपोट को डाल लें और किसी स्पैचुला की हेल्प से इवन सरफेस का कर लें, अच्छी तरह से बराबर कर लें और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें आधे घंटे के लिए। दिख रहा है खूबसूरत सा, बहुत ही स्वादिष्ट सा। आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकालें, रूम टेम्परेचर पे भी इसे रख सकते हैं और इंजॉय करें इस जुगाड़ू वाले मैंगो चीज केक को। मैंगो की विदाई के लिए इससे शानदार रेसिपी और क्या हो सकती है। इंजॉय करें और मुझे कमेंट कर बताएं जरूर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।